हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार आलू के नाश्ते की रेसिपी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में झटपट बहुत ही आसानी से शानदार नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। आलू के इस नाश्ते को पोटैटो वेजिस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेजिस बनाने के लिए हमने 3 बड़ी साइज़ के आलूओं को छीलकर इस तरह से कट कर लिया है। देखिए, इस डिश को बनाने के लिए आप आलू का छिलका निकाल भी सकते हैं या फिर छिलका निकाले बगैर भी बना सकते हैं। आलू को वॉश करने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है, इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि आलू का स्टार्च पूरी तरह निकल जाए। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, इस पानी में 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया था, तो गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमने जो आलू काट कर रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे चला लेंगे। तो इसे बॉईल करते वक्त हम पानी को पहले बॉईल नहीं करेंगे, यानी कि हमें ठंडा पानी लेना है, उसमें नमक ऐड करके तुरंत हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन आलूओं को तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि 50% तक कुक ना हो जाए। तो हमने आलू को मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आलू 50% तक बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन्हें पानी में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो हमने आलूओं को पानी में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस पर मैदा अच्छे से कोट हो जाए। तो अब हम वेजिस के लिए बैटर तैयार करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। देखिए, आप यहाँ पर चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून ओरेगेनो और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। देखिए, हमने यहाँ पर नमक 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच ऐड किया है। तो नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने आलू को बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया है। और 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन मसालों के साथ आप यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम पानी एक साथ में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और पहले इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे, फिर इसे पतला करेंगे। तो ऐसा करने से 2 फ़ायदे हैं। तो गाढ़े से पतले घोल की तरफ जाएंगे तो इसमें जो भी गुठलियाँ होती है वो अच्छे से दूर हो जाएगी। और कई बार एक साथ में पानी ऐड करने से घोल कुछ ज़्यादा ही पतला हो जाता है, तो इस तरह करने से पानी गलती से भी ज़्यादा नहीं डलेगा। तो देखिए, अभी तक हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है, अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रनी है और कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो इस बैटर को बनाने के लिए पहले हमने 1 कप पानी ऐड किया और फिर हमने 1/4 कप पानी ऐड किया, यानी कि हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो वेजिस को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है और इन्हें हम बैटर में पहले डीप करेंगे। बैटर में अच्छे से डीप करने के बाद ज़्यादा के बैटर को इसी में झाड़ कर इसे तेल में ऐड करते जाएंगे।
और इसे फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के दौरान हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। डेढ़ से दो मिनट तक तेल में फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया पोटैटो वेजीज बनकर तैयार हुए हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसका सारा तेल यहीं पर झाल लेंगे और बाकी के वेजीज को हम इसी तरह तेल में फ्राई करेंगे। वेजीज को और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसे सर्व करते वक्त थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।